नैरेटिव क्या है कि 10 बच्चे अल्लाह की देन है और फिर बेरोजगारी मोदी की देन है। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. 135 करोड़ जिस देश की जनसंख्या हो वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए, मेजर लेने चाहिए। लेकिन मैं एक बात को एक्नॉलेज आप करिए कि 135 करोड़ के देश में अगर एक ही समुदाय का योगदान 100 करोड़ का हो तो ओनस किस पे ज्यादा आता है। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी से आप कोई बच नहीं सकते। आप सवाल ये उठता है कि 14% की मीगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की, आप सारा ओनस देश की जनसंख्या पे उस पे दे। अरे 100 करोड़ की आबादी का योगदान कितना बड़ा है इस जनसंख्या विस्फोट में, इसको एक्नॉलेज कब करेंगे आप? और जब आप एक्नॉलेज करेंगे तो फिर मेजर सपना ही है। इसने आपको रोका। अब आप अश्विनी भाई, 14% मीगर कहती है, हिमांशु जी पुलिस हटा लो, अभी बता देंगे। हिमांशु जी, ये मीगर पॉपुलेशन, एक बार सुन तो लीजिए हिमांशु जी। हाँ, बंगाल के 12 जिले हिंदू खत्म हो गए, मुस्लिम बहुसंख्यक, असम के 9 जिले, यूपी के 12 जिले, बिहार के 7 जिले, हरियाणा के 2 जिले, राजस्थान के 6 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले, आप इधर गुजरात जाओ 3 जिले, पूरे देश में 200 जिलों में मुस्लिम तय करते हैं कौन पार्षद बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा 200 जिलों में। एक मिनट सुन लीजिए, अच्छा देने की बारी आएगी, पहले अश्विनी जी आप अपनी बात को। मैं अपनी बात करूंगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूं जहां पे, और उसके बाद हमको माइनॉरिटी का दर्जा किस लिए चाहिए? माइनॉरिटी चाहिए हम हलाला कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए मुता कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए मिसयार कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए ट्रिपल तलाक कंटिन्यू करेंगे। मेरा कहना ये किसी भी समाज की कृतियों के खिलाफ समाज खुद उठाता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि नियोक्त पर पाबंदी होनी चाहिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो जायदाद ना बटे तो साझा कूटी एक औरत के साथ चार्टर शादियों की जो प्रथा, इस पर पाबंदी लगाइए। हमने कभी ये नहीं कहा कि औरत को शंकराचार्य होना चाहिए, हमने कहा ये हिंदुओं का अंदरूनी मामला, हिंदू खुद तय करेंगे। अंतिम और आखिरी बात, उसके बाद सुधांशु जी मुझको बोलने का मौका आप देना दें। मैं सुधांशु जी को, मैं इनका सम्मान इसलिए करता हूँ, बिल्कुल सम्मान इसलिए करता हूँ कि कभी तथ्य से परे बात नहीं करते, बिल्कुल जना को चुन के भेजा, मगर उसी मुंबई प्रेसिडेंसी ने अंबेडकर को चुनाव हराया था, और अंबेडकर कलकत्ता से कांग्रेस के चुनाव भी जीत के नहीं आए थे, मुस्लिम लीग के चुनाव से जीत के आए थे। इसका मतलब यह है कि उस वक्त की सियासत के, आप सुन दो, मैं सुधांशु जी को करूँ, मैं सुधांशु जी का सम्मान करता, बिल्कुल जिन्ना को भेजा था, लेकिन लोग जानते हैं कि 2 गुजरातियों की साजिश से नाम नहीं लूंगा, एक तो मेरे लिए बहुत कदम का बहुत ऊंचा हो गया, उनकी साजिश से अंबेडकर को चुनाव हराया गया था और मुस्लिम लीग ने अपनी सीट देके बंगाल तो उनको भेजा था। हर जगह क्या था, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, एक तो बात उन्होंने स्वीकार कर ली कि अंबेडकर जी को कांग्रेस ने चुनाव हराया था, वो कद्दावर आपसे बहुत बड़ा कदम उनका दूर से नजर आते जहाज में भी, जिन्होंने हराया था अंबेडकर को, मतलब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को कह रहे हैं, नाम तो ले, और क्या कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो पुरानी दुश्मनी है कई लोगों की, डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि उन्होंने कई निजामों को हरा दिया था ना। डॉक्टर अंबेडकर आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे, मुस्लिम लीग ने नहीं, जोगिंद्रनाथ मंडल जी ने उनको जितवा के भेजा। पूरा बात बोलिए, दाएं बाएं मत करिए, बाद में उनको जिन्ना ले गए क्या ख्वाब दिखा के, ये SC ST का हम बड़ा महान काम करेंगे, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि गांवों में घुसकर उनके सामने 2 ही शर्तें रखी गई, वही जो आज कश्मीर फाइट्स में दिखाया जा रहा है, या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। नैरेटिव क्या है कि 10 बच्चे अल्लाह की देन है और फिर बेरोजगारी मोदी की देन है। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. जी यही इन्होंने नैरेटिव बना के रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सुधांशु भाई 10 सेकंड। भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, राजा दशरथ से और राम जी से भी बहुत प्यार करते हैं। राजा दशरथ की पूछ लीजिएगा कितनी रानियां थी, मुझे लगता है वो अगर सुधांशु जी फॉलो कर ले तो ज्यादा अच्छा। 100 क्या बोला तूने? 100 कौन सी किताब में पढ़े हो, कौन सी किताब में पढ़े हो? मुझे लगता है अब आपकी जानकारी गलत है। 10 सेकंड। देखिए सबके साथ जो है न्याय होना चाहिए, समानता होना चाहिए और आजादी होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। ठीक है ओके। देलवी साहब एक मैं आपको मौका दूंगा। देखिए मैं यहाँ समस्या तो बड़ी है ना, बिल्कुल मैं अपनी बात कृष्ण बिहारी जो कश्मीरी पंडित शायद उनके शेर से करूंगा, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। जी जी। और आगे की लाइन जानते क्या है, लाख चेहरे बदल के आ जाता हूँ मैं मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही। ये उस शेर के आगे की लाइन है, चेक कर लीजिएगा। एक भगवान राम के बारे में इन्होंने कहा, मानव इतिहास में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाले भगवान राम है, भगवान राम की एक पत्नी, लक्ष्मण की एक पत्नी,
भरत की एक पत्नी समुद्र एक बार सुन प्लीज, मैं रामराज की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है मानव इतिहास में सबसे पहले, एक बार सुन लीजिए बहुत जरूरी बात है, सुनिए रामराज सुनिए, मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान राम, भगवान राम सारे गुरुकुल का एक सिलेबस, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम, राम के दो बच्चे, लक्ष्मण के दो बच्चे, भरत के दो बच्चे, शत्रुघ्न के दो बच्चे, तो समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले भगवान राम ने लागू किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।